नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी चैनल और मैं हूँ श्वेता। केंद्र सरकार को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से लताड़ लगाई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बात साबित करने को कहा है कि आधार के कारण किसी भी प्रकार से किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यह पक्ष केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूती से रखना होगा। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से आधार के लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं इस पर राय ली। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आधार से डेटा लीक होने की बात स्वीकार करते हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी सूचनाएं लीक होने का शिकार हुए हैं। सरकार नागरिकों की जानकारी लीक ना होने दे, इसके लिए वो क्या उपाय कर रही है, ये बात केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय को बताए। गौरतलब है कि 9 जजों की बेंच ने पिछले साल निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया था और सरकार को नागरिकों की सूचनाओं से संबंधित डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। और अब इसी बीच कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया और कहा कि जब इतने बड़े इतने दिग्गज खिलाड़ी के डिटेल्स सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता के डिटेल्स कितने सुरक्षित है और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन किस तरह से नहीं हो रहा है, ये बात केंद्र सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। जी हाँ, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार से आधार को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा है। कुछ खास खबरों के साथ हम जल्द लौटेंगे। सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।